everyone. Jai. Hi everyone. Hey, hi everyone. So, welcome to our channel, Annie and us. Jai. Hi. और कैसे हो सब लोग? हम लोग आज एक हमारा क्या बोले उसको ट्रैवल ब्लॉग बनाने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटिंग वाला ब्लॉग बनने वाला है ये, क्योंकि ये हम लोग पहली बार ये हम खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि रोड ट्रिप में इतना दूर जा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वैसे बता दो एनी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं रामेश्वरम। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा हमारा जो चार धाम है एकदम, एक हमारा पूरी जगन्नाथ टेम्पल और हमारा ये रामेश्वरम जो कि हमारा साउथ में है, और एक द्वारका एंड एक जो हमारा क्या बोलते हैं उसको नॉर्थ में जो है बद्रीनाथ है। तो हम लोग सोच रहे थे कि चार धाम हम लोग कवर करेंगे, मतलब ये हमारा प्लान था। तो ऑलरेडी हम लोग तो पूरी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो फिर भी हम पूरी एक बार फिर कभी कभी जाएंगे। हाँ, वो भी हम लोग साथ में एक्चुअली हम लोग शायद एक बार साथ में हम लोग गए हैं, और अकेले कभी एक साथ नहीं गए। हाँ, फैमिली के साथ गए हैं, मतलब हम दोनों ऐसे कभी नहीं गए। तो हम एक बार प्लान करेंगे तो वीडियो पक्का डालेंगे। वैसे भी पूरी जाना हमारे लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हमारे घर के पास ही है। तो ये हम लोग के एरिया मतलब हमारे स्टेट से बिलोंग करता है, तो हमें इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। पर हम लोग यहाँ पे जैसे चेन्नई में रहते हैं, तो साउथ का ये जो रामेश्वरम है इसको थोड़ा कवर करने के लिए हम लोग सोच रहे थे। तो चलिए, हम लोग अभी रात को अभी 4 बज गया है, तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं हमारा सफर। पता नहीं हम कब पहुंचेंगे। हाँ, ये भी नहीं पता है। ये है एक्चुअली 550 किलोमीटर के आसपास, 600 अराउंड होगा, अराउंड 600 का सिटी के अंदर तो होता ही है। तो इसीलिए हम लोग प्लान किए थे कि रात को 3 बजे हम लोग शुरू करें, तो शायद लेट चल रहे हैं हम लोग, अब बेबी के साथ थोड़ा लेट हो जाता है। तो इट्स ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रॉब्लम होता है रास्ते में रुक भी जाएंगे। यस, हम लोग बीच में एक हॉल्ट लेंगे। यस बेबी, यस। तो चलिए, आप भी हम लोग के साथ सफर एंजॉय कीजिए। क्या क्या होता है, क्या क्या आगे है, वो सब देखने मतलब देखते हैं। एक्चुअली ये हमारे लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग वाला सफर है। एक्चुअली ट्रैवल मतलब ये ट्रैवल होने वाला है, लग रहा है कि बेबी के साथ एक्चुअली ये ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं अगर है ना। तो एक्चुअली इसका दो रूट है, एक एशिया रूट है और एक क्या रूट है बता दो, जीएसटी रोड है। हाँ, एक जीएसटी तीन रोड है। यस, हाँ, एक जीएसटी रोड है, जीएसटी रोड है और एक है कुछ पता नहीं। बट हम लोग जो रिसर्च किए थे कि किस साइड पे हम लोग को जाना चाहिए, किस रोड अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा वो रोड खाली भी रहता है और और ये बीच साइड का रहता है, तो थोड़ा हवा ठंडा ठंडा हवा एकदम से आता रहता है, तो व्यू भी सुबह का व्यू बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग भी आप लोग के साथ रहेंगे। स्ट्रेट रोड है, कोई टर्निंग नहीं है। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर स्ट्रेट रोड है वहाँ पे। और वो जो जीएसटी का रोड है वो थोड़ा सिटी के अंदर होके जाएगा, तो हम लोग को लगा कि ये थोड़ा हेट्रिक हो जाएगा हम लोग के लिए, है ना। तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग को थोड़ा व्यू वाला मतलब रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो व्यू तो चाहिए ही चाहिए, है ना। बड़ी बात है कि हम पॉन्डिचेरी क्रॉस करके जाएंगे तो ये कब मूड बदल जाए। हाँ, वो भी है, क्योंकि बीच में पॉन्डिचेरी भी आएगा, तो देखते हैं फिर। चलो फिर चले शुरू करें हमारे सफर। सुबह होते होते हम लोग आई थिंक पहुंच जाएंगे, चेन्नई क्रॉस कर लेंगे, पॉन्डिचेरी पहुंच जाएंगे। तो
हाँ बस हम पहुंच जाए तो वो सही है, देखते हैं क्या होता है। ये तो पहली बार देख रहा हूँ, टोल बट गया है यहाँ पे। देखिए सनराइज जैसे हम पांडिचेरी में कर देख सकते हैं अगर हम जिस स्पीड से। हाँ पांडिचेरी में सनराइज हम लोग देख लेंगे अगर हुआ तो। 4 बज रहे ना, 2 घंटे में हम पांडिचेरी पहुंच जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा, 6 बजे तक। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी में है पांडिचेरी, जो कि हम लोग आई थिंक 2 घंटे में कवर कर लेंगे, 6 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और पौंडी भी बहुत ही बढ़िया जगह है, हम लोग पौंडी के अंदर नहीं जाएंगे ना। हाँ बस बाहर बाहर ही जाएंगे, इट्स ओके। बट ये देखिए रोड एकदम खाली है, पर अगर थोड़ा लाइट होता तो आप लोग देखते कि साइड में इसका जो व्यू है बहुत ही बढ़िया सा व्यू आता है। और अरे यही होता है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो चेन्नई से, तो ये अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रहता है कि रोड एकदम खाली रहता है, तो आप लोग आराम से एकदम एंजॉय करके जा सकते हो। और आज संडे है तो हमें बहुत सारे पॉपुलेशन, कोई रिस्क भी नहीं लगेगा। हाँ। बहुत सारे लोग जाते आते रहेंगे, स्पेशली पांडिचेरी तो जाते होंगे। हाँ पांडिचेरी के लिए तो हमेशा लोग जाते आते रहते हैं, उसका शून्य होने वाला है। यहाँ से राइट राइट सिग्नल से कुछ ऐसे स्नैक्स और टी वगैरह का एक स्टॉल है, शॉप है कि यहाँ पर हम लोग रुके हैं, आप ये देख सकते हो। तो अभी सुबह सुबह थोड़ा ऐसे कुछ है क्लाइमेट, तो देखिए सुबह का कुछ ऐसा व्यू आप लोग को दिखाती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग अभी हुआ है, तो हम लोग एक्चुअली बीच में हम लोग दूसरे रास्ते में चले गए थे, जीपीएस नहीं मिल रहा था तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो सोच रहे थे कि 50% कवर कर लेंगे, बट नहीं हो पाया अभी तक। आई थिंक 435 अराउंड कुछ किलोमीटर से अभी बचा है पहुंचने में, तो देखते हैं। मेरी बेबी अभी सो गई है, हमें भी बड़ा नींद आ रही है, तो देखते चलिए। तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए बस गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देते हैं और हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर शुरू करेंगे। शायद शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लानिंग यही है कि शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे और होटल में हम लोग रुक जाएंगे, रात को एकदम रेस्ट वगैरह करके शाम को पहुंच जाएंगे, तो होटल में एकदम एक और बढ़िया सा नींद, मतलब अच्छे से रेस्ट लेके सुबह हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे। मंदिर का जो दर्शन होता है ये सब सुबह के लिए हम लोग निकल जाएंगे, तो ये हमारा प्लान है। तो बस देखते जाना है कि अभी कब तक हम लोग पहुंच रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं फिर से।
बेचारे की शक्ल देखो, ड्राइवर की शक्ल। हाँ, तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं तिरची पहुंचने के लिए, और 40 किलोमीटर से अभी, और हम लोग बहुत ज्यादा अभी भूख लग रहा है, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग आ गए हैं A to B, हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट। तो हाईवे पे हम लोग को कहीं और नहीं मिला, मतलब ढाबा टाइप्स का सारे रेस्टोरेंट्स थे, तो ये एक हमें ठीक लगा, तो हम लोग यहीं पे रुक गए, बस ब्रेकफास्ट करके फिर से निकल चलेंगे, निकल पड़ेंगे फिर। बताओ इनको देखो शक्ल इनका, मैं तो फिर भी बीच बीच में सो जाती थी, मुझे इतना नींद आ रही थी, बट बेचारे एकदम 150 स्पीड में चला रहे थे गाड़ी, मुझे तो लग रहा था कि उड़ रहा है हाईवे पे। तो चलो फिर चलते हैं, कुछ खाना वाना कुछ खा लेते है ना। ये हमारा A to B का रेस्टोरेंट है, ये तो प्योर भेजी है, तो चलो चलते हैं। हाँ एनी, कम आउट। से इट अगेन, सेम एज A to B, जेनरिक A to B। थैंक यू। मसाला डोसा, ओके फाइन। कौन कौन दे रोटी? पापा से दो चिली से दो सेन। दो सेन? ये दो सेन। Yes. तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, ये है पंबन ब्रिज, जो कि बहुत ही फेमस ब्रिज है, तो रामेश्वरम को कनेक्ट करता है। Yes, ocean. Yes, ocean. So big ocean. Yes, big ocean. What is this? A boat. Oh my god. So many boat. And you want to go to the boat? Huh? Want to ride on the boat? Let's keep the light on the ocean, okay? Okay. Let's keep the light, okay? Okay. Let's see the ocean. Why can't get the ocean? Ocean near you. Tell by pound the ocean. Okay? Let's stand here and see the ocean. तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं, ये है हमारा होटल जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं, हयात में हम लोग स्टे कर रहे हैं वैसे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ इसका रूम, ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा रूम, होटल रूम, यहाँ पर हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं। बहुत ही प्यारा रूम है एकदम। ये देखिए यहाँ पर एक सोफा दे रखा है, बाजू में सोफे के साथ अटैच करके एक टेबल रखा है जहाँ पर आप बैठ के काम कर सकते हो और खा भी सकते, खाना वाला खा सकते हो। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो दे रखा है, इसको थोड़ा ओपन कर देखते हैं कि कौन सा वाला व्यू मिला है वैसे। वाओ, हमें एक गार्डन व्यू मिला है, बाहर अभी दिख नहीं रहा है बट बहुत सारे बाहर से बाहर। तो हम लोग आके एक्चुअली डायरेक्टली बुकिंग किए थे, अगर आप चाहो तो प्रायर बुकिंग करोगे तो आपको स्विमिंग पूल व्यू अदर व्यूज भी आप लोगों को मिल जाएगा वैसे। ये देखिए इस थकी हारी लड़की को, जो कि रास्ते में पूरे रास्ते में सो सो कर आई है, वो एकदम टायर्ड हो गई है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए रूम का, कितना बढ़िया, एकदम क्लासी लुक दे रहा था। और यहाँ पर एक चेयर भी रखा हुआ है, आप चाहो तो टेबल पे बैठ के खाना वाना खा सकते हो, काम वाम कर सकते हो कुछ भी।
और चलिए अभी देखते हैं इसका वॉशरूम कैसा है। वाओ, बहुत ही सुंदर है इसका वॉशरूम है, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाइटिंग तो उसका बहुत ही मस्त है एकदम। सारे एमिनिटीज ये लोग दे रखे हैं, शैम्पू कंडीशनर एंड एवरीथिंग। एक्चुअली वैसे भी 3-स्टार होटल में भी दे देते हैं, पर ये तो वैसे भी 4-स्टार है, तो सारे एमिनिटीज अवेलेबल है। इस लड़की को देखिए, इसको तो बस एक बेड मिल जाए जंप करने के लिए, तो हो गया बस इसके। अरे वाह, अभी ये कबोर्ड भी ओपन कर लिए दिखाने के लिए कि क्या है इसके अंदर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक लॉकर दे रखा है जिसमें आप चाहो तो अपना वॉलेट वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ वगैरह रख के आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक प्रेस करने के लिए दिए है और प्रेस आयरन भी रखे हुए हैं, और कपड़े वपड़े सुखाने के लिए भी स्टैंड दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है एक छोटा सा फ्रिज जहाँ पर आप चाहो तो कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट भी पिला के रख सकते हो बाहर से, या फिर खाना भी रख सकते हो ऐसे। और यहाँ पर दे रखा है ये कॉफ़ी टी एंड ग्रीन टी ब्लैक टी एवरीथिंग ऐसे दे देते हैं, और नीचे का ये आइस रखने के लिए दिए हैं। तो अभी दिन का 3 बज गया है, हम लोग जैसे कि ना 8-9 घंटे का जर्नी करके बेचारे पूरा थक के ऐसे ही सो गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा फ्रेश होके रेस्ट करने के लिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।